तो हेलो पीपल, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हलवा फिजिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन बेसिकली रिलेशन बताता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट इज़ वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वेयर वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड है तो सिंपल सी बात होगी, यहाँ पर ग्राफ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको जिस ग्राफ को पढ़ना है वो ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। अब आप सोचते होंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होता है? तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ है ये बेसिकली आपको वेलोसिटी और टाइम इन दोनों के वर्सेस में दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर ये जो वाई एक्सिस है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपको लाइन बनता हुआ दिखेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ इस तरह, ठीक है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये लाइन कैसे भी हो सकता था, या तो ये ऊपर से नीचे आते हुए दिखता, कर्व में बनता, या तो ऐसे बनता, या किसी भी और इरेगुलर शेप में बनता, पर स्ट्रेट नहीं बनता। तो याद रखिए जब भी कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाए तो याद रखना वो यूनिफॉर्म मोशन का होगा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। तो इस ग्राफ के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखने के लिए। तो आइए हम सबसे पहले इसी ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होता है और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, तो मैंने वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। बट एक बात बताइए, क्या मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ यूनिफॉर्म है तो? नहीं, यही यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है इसे यूनिफॉर्म बनाना, बल्कि आपको कोई दूसरी जगह से स्टार्ट करना है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि अगर आप देखेंगे फॉर्मूला कुछ ऐसा है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा, और हमें v इज इक्वल्स टू ए टी नहीं चाहिए, ठीक है। यानी u की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हम उसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम u को ज़ीरो नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, कहीं और इस एक्सिस पे हम कहीं पे भी अपने इनिशियल वेलोसिटी को कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ से हमारा वेलोसिटी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से ये यूनिफॉर्म है तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनाने वाला है, ठीक है। तो आइए ये कैसे दिखेगा। सो ये मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बना दिया जो कि कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी आके ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। तो इतना कुछ इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, कुछ यहाँ तक, ठीक है क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ तक इसका फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होता है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। टाइम की बात करूँ तो टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है और टाइम कुछ यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये इतना टाइम है, तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ में अपना एक्सेलरेशन बढ़ाते गया और इस पॉइंट पे आके रुक गया, तो यहाँ पर उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। टाइम यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, इतना सब कर दिए तो ज़रा इनिशियल वेलोसिटी के लिए भी यहाँ पे
ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया कि इनिशियल वेलोसिटी के टाइम पे यहाँ पे कुछ ऐसे टाइम चल रहा था। अब हम सबको नाम दे देते हैं, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे। तो इसे हम ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम ई कह देते हैं और इस पॉइंट को हम एफ़ कह देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स क्या है ज़रा इसका भी हम लोग देख लेते हैं, इसका वैल्यू ये सारे पॉइंट्स क्या है ये वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको ए बी यहाँ पर दिख रहा है, ये ए बी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, ये जो ए बी है ये इनिशियल वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो ए बी है ये जो है, और एक और बात, ये जो ए बी है ना ये ई एफ के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ए बी जितना होगा उतना ही ई एफ होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए बी इज़ इक्वल्स टू ई एफ इज़ इक्वल्स टू कितना होगा ये इनिशियल वेलोसिटी डेट इज़ यू। ओके, यहाँ पे आपको ये जो ये ए सी दिख रहा है, ये जो ए सी दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो ए सी दिख रहा है इतना पार्ट दिख रहा है ये आपको फाइनल वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये आपको फाइनल वेलोसिटी बता रहा है। तो इतना जो पार्ट है डेट इज़ ए सी जो किसके इक्वल होगा डी एफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो ए सी है ये डी एफ के इक्वल होगा और ये दोनों किसके इक्वल है ये वी की वैल्यू आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वी बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो ए एफ है ए एफ ये आपको टाइम की वैल्यू बता रहा है, ठीक है, ये जो ए एफ है ये आपको टाइम बता रहा है, ये ए एफ जो है ये बी ई के इक्वल है, ठीक है। तो ये ए एफ विच इज़ इक्वल्स टू बी ई ये आपको टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। नाउ अब जैसा कि हमें पता है कि हम यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन भी होगा। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में जितना भी एक्सेलरेशन हुआ है उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या आपको मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ऑब्वियस है, आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। नाउ आप बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम किससे इंडिकेट करेंगे? हम एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? अगर आपको किसी भी चीज़ का चेंज निकालना है तो आप बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। ओके, तो आपको ये समझ में आया। अब ये ए वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये वी किसके इक्वल है? ये जो वी है ये ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसके जगह पे ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस ये यू किसके इक्वल है? ये यू जो है ये ए बी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे इसके जगह पे ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में आपको ये टी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप क्या कीजिए, जो टी है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके ये टी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? ए सी माइनस ए बी। अब ज़रा सोचिए ए सी में से अगर ए बी माइनस हुआ तो क्या बचेगा? इसका मतलब आपके पास ये ए सी है, ये पूरे ए सी में से आप ए बी को माइनस कर दे रहे, ठीक है। ये पूरे ए सी में से जब ये ए बी गायब हो गया, आपको पूरे ए सी में से ये ए बी गायब कर दिया, तो आपके सामने क्या दिख रहा है? ये बी सी दिख रहा है ना। ये पूरे ए सी में से आपने इतने पार्ट को माइनस कर दिया तो आपको क्या बच रहा है? बस बी सी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए टी इज इक्वल्स टू बी सी। आई होप आपको समझा होगा ये बी सी इज इक्वल्स टू ए टी कैसे आया। आइए इसको सीधा कर लेते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू ए टी, इसको देते हैं नंबर वन। ओके, नाउ हमें बी सी मिल गया है ए टी, ठीक है। एक्सेलरेशन के थ्रू हमने कुछ ये वैल्यू निकाल दी, बट अभी भी हम हमारे मंजिल तक नहीं पहुँचे। हमें क्या निकालना है? हमें वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सॉल्व करना है। एक मिनट, ए टी यहाँ पर भी ए टी आ गया, मतलब हम आधे रास्ते तक पहुंच गए। अभी हमें किसकी ज़रूरत है? हमें और वी और यू की ज़रूरत है, वी और यू की ज़रूरत है। अगर ये वी यू मिल जाए तो हम ए टी निकाल लेंगे आराम से। अब ये वी यू किसके इक्वल है? ये वी
और ये यू, ये तो डी एफ और ई एफ के इक्वल है, डी एफ और ई एफ के इक्वल है। अच्छा, अगर मैं ये पूरे डी एफ में, डी एफ के लिए अगर मैं डी में ई एफ ऐड कर दूँ, क्या मुझे पूरा डी एफ मिलेगा? यस, ऑब्वियस है, मिलेगा सर। तो चलिए ऐसे ही कुछ करते हैं, हम यहाँ पे लिखता हूँ नाउ, अगर मैं ये डी में, ठीक है, अगर मैं ये जो इतना डी पार्ट है, ये डी पार्ट में अगर मैं ये ई एफ पार्ट ऐड कर दूँ, अगर इस डी में मैं ये ई एफ ऐड करूँ, तो मुझे पूरा डी एफ मिल जा रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है। अगर मैं डी में ई एफ ऐड करूँगा तो मुझे डी एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो डी एफ है ये किसके इक्वल है? ये डी एफ जो है ये वी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इसके जगह पे वी लिख देता हूँ। ये डी जो है ये किसके इक्वल है? ये डी ई, वेयर इज़ डी ई, डी ई, डी ई, ये डी ई कहाँ पे? डी ई जो है ये, डी ई जो है ये सामने बी सी के इक्वल आ रहा है ना। हाँ सर, ये भी तो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ना, तो ये जो बी सी जितना होगा उतना ही डी ई भी होगा, तो मैं ये डी के जगह पे बी सी लिख सकता हूँ, है ना। और बी सी जो ए टी के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ए टी लिख सकता हूँ। क्या आपको समझा? मैं ये कह रहा हूँ ये जो डी जो है, ये जो डी है ये बी सी के इक्वल है ना, और ये जो बी सी है ये ए टी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे डी के जगह पे ए टी लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो ये प्लस, और ये ई एफ किसके इक्वल है? ई एफ जो है वो यू के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख देता हूँ? यू। आइए इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं। V इज इक्वल्स टू, ये U पहले लिख दिया, प्लस ए टी, प्लस ए टी। तो बताइए अब ये क्या चीज़ इसके इक्वल लग रही है? यस सर, ऑफ़ कोर्स लग रही है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि V इज इक्वल्स टू U प्लस ए टी। तो कैसा लगा आपको ये डेरिवेशन? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।